हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस टू इजीली मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स पाइथन बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं हमें वो नहीं क्रिएट करने हैं okay? ओके वो ऑलरेडी बने हुए हैं ओके वी जस्ट हैव टू यूज़ देम हमें सिर्फ उन फंक्शंस का यूज़ करना है उसकी उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है राइट right? तो ऐसे बिल्ट इन और यू कैन से प्री डिफाइंड फंक्शंस जो पाइथन प्रोवाइड करता है वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ दीज फंक्शंस राइट तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन है लेंथ फंक्शन राइट सो वॉट इज द यूज ऑफ लेंथ फंक्शन लेंथ फंक्शन का क्या यूज है दिस मैथड रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओके इस मैथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो लेंथ मीन्स इट रिटर्न द काउंट ऑफ करैक्टर्स इन द स्ट्रिंग पास्ट एज आर्ग्यूमेंट इन लेंथ फंक्शन तो क्या कह रहा है कि आप लेंथ फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग की लेंथ का पता कर सकते हो और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है नंबर ऑफ करैक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग तो ये क्या काउंट करेगा इट विल काउंट द

फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे इसने क्या इसका रिजल्ट आएगा सिक्स करेक्टर राइट ओके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सिक्स ओके नाउ यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है गुड बाय ओके तो अब देखो आप यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे स्पेस है स्पेस इज आल्सो काउंटेड एज करेक्टर स्पेस को हम करेक्टर काउंट करते हैं ओके okay. तो so, जब आपने इसको पहले हमने क्या किया एस टी आर वेरिएबल लिया ओके okay. और उस वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली गुड बाय ओके तो यहाँ पे फिर आपने लेंथ फंक्शन का यूज किया और एस टी आर को इसमें पास कर दिया ओके okay? आप डायरेक्टली भी स्ट्रिंग uh, वैल्यू को पास कर सकते हो या फिर आप वेरिएबल को भी पास कर सकते हो जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है ओके okay? तो यहाँ पे आपने इसको पास किया नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसका करेक्टर काउंट आ गया आप काउंट भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव क्या है आपका स्पेस करेक्टर ओके सिक्स सेवन एंड एट तो ये आपका एट आ गया नंबर ऑफ करेक्टर्स Now we have the next example. आपने एक वेरिएबल लिया उसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी है यहाँ पे दिस इज नेहा राइट अब यहाँ पे देखो जितने भी स्पेसिस है वो भी काउंट होंगे ओके okay? और यहाँ पे हमारा जो बैक स्लैश है ये बैक स्लैश भी यहाँ पे आपका एक करेक्टर काउंट होगा फाइन बैक स्लैश भी एज अ करेक्टर काउंट होगा तो आप देखो जब आप इसको काउंट करते हो वन टू थ्री फोर जिसमें आपके फोर करेक्टर आगे देन फाइव सिक्स सेवन एट एट आपका स्पेस है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व और बैक्सलेस थर्टीन देन एस फोर्टीन देन हेयर फिफ्टीन स्पेस आपका फिफ्टीन है सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री राइट तो ये आपका आ गया ट्वेंटी थ्री फाइन आपने वेरिएबल को पास किया लेंथ फंक्शन में और आपका ट्वेंटी थ्री रिजल्ट आ गया है तो ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या करना है स्पेस भी काउंट होता है जब भी आप भी स्ट्रिंग की लेंथ uh, की निकालते हो स्पेस भी काउंट होता है और आपने अगर बैक स्लैश लिया है तो बैक स्लैश भी एज अ करेक्टर काउंट होता है राइट नाउ द नेक्स्ट मैथड इज कैपिटलाइज मैथड

ओके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा राइट right? ओके okay? तो यहाँ पे इसका स्ट्रिंग इसका सिंटेक्स क्या है स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग आप जिसका भी फर्स्ट करेक्टर आप कैपिटल केस में करना चाहते हो अपर केस में करना चाहते हो वो स्ट्रिंग डॉट डॉट कैपिटलाइज फंक्शन राइट अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया पाइथन प्रोग्रामिंग डॉट कैपिटलाइज फंक्शन राइट अब आपने जब इसको ऐसे यूज किया है तो आप नाउ यू कैन सी द रिजल्ट रिजल्ट में क्या हुआ जो आपका फर्स्ट करेक्टर है ओके okay? स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्टर है पी वो क्या हो गया है कैपिटल Cap, लेटर में आ गया है ओके अपर केस में आ गया राइट ओके नाओ आप देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज फंक्शन का यूज किया है हम क्या कर सकते हैं अगेन uh, वेरिएबल का यूज करके भी इसको यूज कर सकते हैं हमने एक वेरिएबल लिया एस टी आर उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी आई लव माय कंट्री ओके फिर आपने क्या किया उस वेरिएबल को नाम ले लिया एस टी आर डॉट कैपिटलाइज फाइन ओके okay. और इस वेरिएबल में क्या है आपका स्ट्रिंग वैल्यू है आई लव माय कंट्री राइट तो अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है उसके फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल कर देगा राइट right? तो यहाँ पे देखो पहले आपका आई क्या था स्मॉल लेटर में था अब यहाँ पे क्या है वो कैपिटल लेटर में है आई लव माई कंट्री ओके अब ऑलरेडी आप जब यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल है राइट right? तो जब आप इसको यूज करोगे एस टी आर डॉट कैपिटलाइज तो क्या होगा पाइथन आ गया है ओके देर इज नो चेंज वाई देखो क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो कैपिटल लेटर स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल लेटर में ही है ओके सो इफ द स्ट्रिंगेक्टर एज द कैपिटल स्ट्रिंग अगर ऑलरेडी फर्स्ट करेक्टर स्ट्रिंग का कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही आ जाएगा फाइन कोई भी चेंज नहीं होगा ओके नाउ नेक्स्ट वी है टाइटल फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड रिमेनिंग करेक्टर टू लोअर केस इन द स्ट्रिंग एंड अ न्यू स्ट्रिंग ओके तो इसका मीनिंग क्या है जो टा, जब, टाइटल फंक्शन का क्या यूज है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं है, है, okay? स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फर्स्ट हैं जितने भी वर्ड्स हैं ओके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट करेक्टर क्या होगा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay? एंड जितने भी आ, आ, बाकी के करेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे राइट right? अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं पहले आप सिंटेक्स देखेंगे सिंटेक्स क्या है स्ट्रिंग डॉट टाइटल टाइटल ओके ये केस में कन्वर्ट कर देता है राइट right? तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने लिया पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग डॉट टाइटल फंक्शन ओके अब देखो यहाँ पे मैंने जो पाइथन प्रोग्राम लिया है ऑल द करेक्टर्स आर इन अपर केस राइट अब जब आपने टाइटल फंक्शन का इसके साथ यूज किया तो आप देखो फर्स्ट करेक्टर क्या है अपर केस में आ गया पी बाकी का जो वर्ड के करेक्टर्स थे वो लोअर केस में आ गए पाइथन देन अगेन जो वर्ड था प्रोग्रामिंग उसका फर्स्ट करेक्टर आ गया कैपिटल में और बाकी के किस में आ में आ गए गए लोअर केस में फाइन तो स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट करेक्टर अपर केस में आ जाएगा और उस वर्ड के बाकी के करेक्टर्स लोअर केस में आ जाएंगे फाइन अब देखो नेक्स्ट देखो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग डॉट टाइटल आपने ये दे दिया राइट right? अब यहाँ पे देखो जब आपने टाइटल फंक्शन का इसके साथ यूज किया तो जो फर्स्ट uh, वर्ड है वेलकम फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैपिटल हो गया बाकी ऑलरेडी है तो स्मॉल लेटर में ही है राइट देन टी नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर क्या हो गया अपर केस में ओके देन पाइथन इसका फर्स्ट करेक्टर अपर केस में देन प्रोग्रामिंग इसका फर्स्ट करेक्टर अपर केस में बाकी के जितने भी करेक्टर्स हैं वो किस में है वो लोअर केस में राइट right? नेक्स्ट वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर हमने एक क्वेश्चन लिया वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर डॉट टाइटल अब देखो इसमें जो फर्स्ट वर्ड था वेलकम उसका डब्लू कैपिटल हो गया बाकी का इसका क्या है स्मॉल केस में ठीक है ओके लोअर केस में लोअर केस राइट टी का टी आपका कैपिटल आ गया माई का एम कैपिटल आ गया राइट right? अब देखो यहाँ पे क्या है जो हमारा फर्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है नंबर है ओके फर्स्ट करेक्टर है हमारा नंबर तो नंबर के बाद वाला जो करेक्टर आएगा राइट जैसे एन है यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो गया ये एन कैपिटल में आ जाएगा फाइन ओके एन यहाँ पे जैसे लेक्चर है इसका फर्स्ट कैपिटल आ गया लेक्चर जो वर्ड है इसका फर्स्ट कैपिटल आ गया राइट right? तो यहाँ पे देखो इफ द वर्ड कंटेन्स नंबर और अ सिंबल अगर किसी वर्ड में पहले जो जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर है या सिंबल है तो क्या होगा द फर्स्ट लेटर आफ्टर डेड विल बी कन्वर्टेड टू अपर केस फाइन क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर आपका नंबर है या कोई सिंबल है तो क्या होगा उसके बाद वाला कैरेक्टर उसके बाद वाला कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा राइट नंबर ऑफ सिंबल्स को तो हम अपर लोअर गुज में तो कुछ होता नहीं है राइट right? तो क्या होगा नंबर ऑफ सिंबल्स के बाद वाले करेक्टर का क्या हो जाएगा अपर केस में वो कन्वर्ट हो जाएगा ओके नाव वी हैव लोअर मैथड अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट मैथड है लोअर मैथड इट रिटर्न कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस अब ये क्या कह रहा है ये uh, क्या करता है स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में ठीक है स्मॉल लेटर्स में राइट right? सिंटेक्स आपका क्या है स्ट्रिंग डॉट लोअर फंक्शन ओके तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं हमने क्या किया है कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है uh, यहाँ पे आपका एस टी आर वन है जिसमें पाइथन है देन एस टी आर टू प्रोग्रामिंग एस टी आर थ्री नेहा देन एस टी आर फोर ए वन टू थ्री एस टी आर फाइव वन टू थ्री डी ओके दे ऑल आर स्ट्रिंग्स राइट अब इन स्ट्रिंग्स के साथ हम लोअर फंक्शन का यूज करते हैं सबसे हमने पहले लिया एस टी आर वन डॉट लोअर एस टी आर वन डॉट लोअर तो यहाँ पे देखो पाइथन क्या था अपर केस में था तो ये कन्वर्ट हो गया लोअर केस में राइट सेकेंड हमने लिया फिर एस टी आर टू डॉट लोअर तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का जो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ था जो फर, फर्स्ट करेक्टर था वो अपर केस में था बाकी तो लोअर केस में थे ही ओके okay, तो जो फर्स्ट करेक्टर था वो कन्वर्ट हो गया लोअर केस में राइट एंड रेस्ट वर ऑलरेडी इन द लोअर केस ओके देन एस टी आर थ्री डॉट लोअर हमने लिया अब देखो यहाँ पे नेहा क्या है ऑलरेडी लोअर केस में ही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी फाइन क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर केस के अंदर है ही है प्रेजेंट है अब नेक्स्ट देखो ए वन टू थ्री अभी इसके अंदर ए की कैरेक्टर है जो कन्वर्ट होगा दैट इज ए तो यहाँ पे ए आ गया ए स्मॉल केस में आ गया लोअर केस में आ गया वन टू थ्री फाइन देन आपका आ गया वन टू थ्री डी अब देखो डी यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है लोअर केस में तो जब आप एस टी आर फाइव डॉट लोअर फंक्शन का यूज़ करोगे तो एज इट इज आ जाएगा फाइन तो लोअर मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं हम स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शन इज अपर मेथड इट रिटर्न द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं स्ट्रिंग की जितने भी करेक्टर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं राइट सिंटेस के स्ट्रिंग डॉट अपर ओके स्ट्रिंग डॉट अपर तो आपके पास स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वन पाइथन देन स्ट्रिंग टू प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग थ्री नेहा स्ट्रिंग फोर ए वन टू थ्री एंड स्ट्रिंग फाइव वन टू थ्री डी ओके तो फर्स्ट के साथ हमने यूज किया एस टी आर वन डॉट अपर तो जो पाइथन है ऑलरेडी अपर केस में है तो यहाँ पे भी अपर केस में रहेगा फाइन नो चेंज यू विल गेट स्ट्रिंग सेकेंड आपका क्या है एस टी आर टू डॉट अपर तो उसमें क्या है पी जो फर्स्ट करेक्टर है वो तो अपर केस में है बाकी के जो करेक्टर हैं वो सारे भी कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में ना यू कैन सी यहाँ पे प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा क्या है अपर केस में कन्वर्ट हो गया है राइट देन एस टी आर थ्री डॉट अपर इसमें क्या है नेहा जो है लोअर केस में है ये आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा राइट ओके ए वन टू थ्री ऑलरेडी अपर केस में है तो ये ए, आ, ए आपका वन टू थ्री अपर केस में आ गया देन आपका है वन टू थ्री डी अब यहाँ पे डी क्या है स्मॉल स्मॉल केस में लोअर केस में राइट right? तो आप देखो यहाँ पे वन टू थ्री डी तो ये आ गया, आ गया आपका अपर केस में तो अपर मेथड का क्या यूज है अपर मेथड स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है ओके okay? नाउ द नेक्स्ट मैथड इज काउंट मेथड इट रिटर्न ऑफ अक्रेंसिसके इसका क्या मीनिंग है इसकी हेल्प से हम किसी भी सब स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग कितने टाइम्स आया है कितनी बार आया है राइट right? काउंट कर सकते हो राइट right? सेंटेस के आपका स्ट्रिंग ओके okay, जिसके अंदर आपको काउंट करना है डॉट काउंट अब काउंट फंक्शन के अंदर आप तीन आर्ग्यूमेंट्स या तीन पैरामीटर्स को पास करोगे सब स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग आपको काउंट करनी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो कितनी बार आई है ठीक है आपको कौन से करेक्टर से स्टार्ट करना है और मतलब आपको किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है और किस इंडेक्स वैल्यू पर आपको एंड करना है राइट right? आपको ये पता है कि जब स्ट्रिंग uh, में क्या होता है स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स होते हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू होती है फ्रॉम जीरो टू टिल एन राइट ओके okay, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है फाइन अब देखो यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने आपको बताई दिए फिर भी आप देख लो द काउंट फंक्शन हैज वन कंपल्सरी एंड टू ऑप्शनल पैरामीटर्स अब एक कंपलसरी पैरामीटर है स्ट्रिंग फंक्शन में जो आपको पास करना ही पर, करना है और दो क्या है ऑप्शनल है ठीक है जो कंपलसरी क्या है वो सब है ओके द स्ट्रिंग हुज काउंट इज टू बी फाउंड आपको सबस्ट्रिंग तो इसके अंदर पास करना ही करना है नहीं तो आप कौन से सबस्ट्रिंग क्या है उसी का तो काउंट होगा कि वो सबस्ट्रिंग इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में कितनी बार आई है और सबस्ट्रिंग क्या होता है एक पार्ट होता है स्ट्रिंग का ठीक है जैसे मैंने पाइथन लिखा तो मैं उसमें से टीएच क्या है टीएच कुछ अगर फाइंड आउट करना चाहती हो तो टीएच उसमें एक बार आएगा ठीक है राइट ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शनल पैरा ओके ऑप्शनल पैरामीटर से आपके स्टार्ट एंड एंडिंग पैरामीटर मतलब आपको सब स्ट्रिंग तो देना ही है बिकॉज ये मैंडेटरी है सब स्ट्रिंग से ही तो पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग का ही तो काउंट करना है राइट right? कि वो स्ट्रिंग में कितनी बार आई है फाइन और आप स्टार्टिंग और एंडिंग दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो राइट right? क्योंकि ये दोनों क्या है ऑप्शनल है ओके okay? और इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है एक स्ट्रिंग वैल्यू नाउ यू कैन सी काउंट मैथड रिटर्न

ओके नाव फर्स्ट एग्जांपल अब यहाँ पे हमने क्या लिया एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है ओके डॉट काउंट और काउंट के अंदर हमने क्या किया सब स्ट्रिंग को पास किया सब स्ट्रिंग हमारी क्या है ए बी अब हमें क्या करना है ए बी को मतलब ये देखना है कि इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में ए बी कितनी बार आता है ओके okay? ये हमें काउंट करना है राइट काउंट द द्रेंस ऑफ ए बी इन द होल स्ट्रिंग अब देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स नहीं लिया है तो क्या होगा ये कंप्लीट स्ट्रिंग को आ, क्या करेगा सर्च करेगा

एंडिंग इंडेक्स आपका क्या है 8. तो तो क्योंकि आपको पता ए तो हो गया डी तो तो हो, हो, हो गया और ए हो गया तो इसके अंदर ए भी नहीं आ रहा है तो आपके रिजल्ट क्या गया जीरो फाइन अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हमने string ली ओके डॉट काउंट ए बी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है ओके okay. अब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा दिया हुआ है सिक्स और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है जब एक स्टार्टिंग इंडेक्स देता है तो क्या होगा स्टार्टिंग जब एंडिंग इंडेक्स नहीं है तो क्या होगा टिल द एंड वो सारे करेक्टर्स को सर्च करेगा फाइन ओके okay. जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं होता है, तो क्या करता है फर्स्ट करेक्टर से सर्च करता है और जब एंडिंग इंडेक्स नहीं होता है तो क्या करता है कि लास्ट करेक्टर तक सर्च करेगा

फाइंड फंक्शन रिटर्न करेगा ओके इफ सब इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग देन इट अगर सब स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं प्रेजेंट ही नहीं है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस वन राइट अब पैरामीटर्स हमने पहले भी देखे थे पैरामीटर्स हमारा क्या है सब सब जो हमें ढूंढनी है सब स्ट्रिंग जो हमें ढूंढनी है इज द सब स्ट्रिंग दैट नीड्स टू बी सर्च इन गिवन स्ट्रिंग राइट ओके सब स्ट्रिंग जो हमें इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करनी है स्टार्ट स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम सब नीड टू बी चेक विद इन द स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स राइट और आपको पता है एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन फाइन ओके इफ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्सेज आर नॉट प्रोवाइडेड दैन बाई डिफॉल्ट टेक्स जीरो एंड लेंथ माइनस वन एज द स्टार्टिंग एंड द एंड इंडेक्सेज वे एंडिंग इंडेक्सेज आर नॉट इंक्लूडेड इन अर सर सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो यहाँ पे क्या है स्टार अगर आप ये क्या सब जो है हमारा वो तो है मैंडेटरी ये हमें पास ही करना है क्योंकि हमें इसी के हेल्प से पता चलेगा ना कि इसका इंडेक्स uh, वैल्यू क्या है जो भी जहाँ पर भी वो मिलती है आपकी सज स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या है ऑप्शनल आप इसको दे भी सकते हो और आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और अगर आप एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट करेक्टर है उसके उसके इंडेक्स वैल्यू पर वो फिनिश होगा राइट उसके इंडेक्स वैल्यू पर आपकी सर्च फिनिश होगी राइट ओके okay. और रिटर्न क्या होगा इट रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग सब इज फाउंड ये मैंने अभी आपको बताया आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी और इंटीजर वैल्यू में क्या होगा जो भी आप सब स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हो उसकी फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू फाइन और अगर आपका वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो उस स्ट्रिंग के अंदर तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन रिटर्न वैल्यू ओके अभी हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ओके okay, नो हमने क्या किया एक वेरिएबल या एस टी उसमें हमने स्ट्रिंग डाली हैलो वेलकम टू द पाइथन क्लास राइट हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी और हमने सब जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है जिस ओके okay, उस वो हमने ले लिया पाइथन ओके okay, तो हमने एक वेरिएबल में ले लिया एस टी आई वेरिएबल ले लिया कंप्लीट स्ट्रिंग और सब वेरिएबल में ले लिया हमने सब सब स्ट्रिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है ओके okay? ओके okay, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है एस टी आर जो हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको लिया जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू uh, uh, है ओके एस टी आर डॉट फाइंड और फाइंड फंक्शन में आपने सब स्ट्रिंग को पास कर दिया राइट आपके सब के अंदर क्या है पाइथन राइट तो अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा था हेलो वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग ओके okay? तो जब हमने इसको देखो यहाँ पे हमने इसको इसका पूरा टेबल बनाया हुआ है अब यहाँ पे आप देखो जो पाइथन है वो जो वो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है पाइथन जो सब स्ट्रिंग है उसकी फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू सेवनटीन राइट तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया सेवनटीन ओके okay? तो जब आप फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हो तो जो भी सब स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होती है मतलब वो आती है एज अ रिजल्ट अब देखो next हम example लेते .find, okay, और find में हमने सब डाल दिया सब हमें Python निकालना है Python, okay, starting index आपने क्या दिया है ट्वेंटी 20, 20, okay, right? और एंडिंग इंडेक्स है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फोर हो जाएगा ये अब यहाँ पे देखो पाइथन यहाँ पे आपको सबस्टिंग ऐसा नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पे एचओ एन देन करेक्ट स्पेस uh, करेक्टर सी एल है तो यहाँ पे आपको जो सब स्ट्रिंग आप फाइंड आउट करे थे पाइथन वो नहीं मिली तो जब सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप फाइंड नहीं कर पाते तो आपका रिजल्ट क्या आता है माइनस वन फाइन तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस वन right? राइट अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एस टी आर स्ट्रिंग ठीक है एस टी आर में क्या है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू डॉट फाइंड फाइंड फंक्शन में आपने क्या क्या पास किया सबस्ट्रिंग जो हमें ढूंढनी है ठीक है कहाँ से ढूंढनी है इंडेक्स वैल्यू से ढूंढनी है तो हमारी फिफ्टीन इंडेक्स वैल्यू ये है और थर्टी इंडेक्स वैल्यू तक आपको ढूंढनी है तो थर्टी माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी नाइन तो ऑलरेडी कहां तक है ट्वेंटी एट तक है तो टिल द एंड आ जाएगा राइट तो फिफ्टीन से जब आप फाइंड आउट करोगे ट्वेंटी एट तक तो आपको देखो यहाँ पे आपको सेवनटीन से मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पे सेवनटीन जो पाइथन का जो फर्स्ट करेक्टर है उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होगी सेवनटीन ओके तो फाइंड फंक्शन की हेल्प से जो भी सब स्ट्रिंग आप फाइंड करना चाहते हो उसके फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होती है ओके नेक्स्ट मैथड इज इंडेक्स मैथड ठीक है हमारा नेक्स्ट मैथड क्या है इंडेक्स मैथड इट रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स विदेसिफाइड सबिंग क्या है जैसे हमने फाइंड मैथड किया था उसमें क्या होता था आपका जो फर्स्ट करेक्टर होता था राइट right? उसका इंडेक्स वैल्यू आती थी ओके इन द सेम वे इंडेक्स मेथड में क्या है जो भी आप सबस्टिंग फाइंड आउट कर रहे हो उसके फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा सो इट इज सेम एज फाइंड मेथड राइट ओके तो इसमें दोनों में फिर डिफरेंस uh, क्या है डिफरेंस देखो इफ द सबस्टिंग इज नॉट फाउंड एन एक्सेप्शन वैल्यू एरर इज वेस्ट जब फाइंड मेथड का हमने यूज किया था जब फाइंड मेथड में सबस्ट्रिंग नहीं मिलती थी फाइंड नहीं होती थी तो माइनस वन रिटर्न करता था राइट right? लेकिन इंडेक्स मेथड में क्या है एक्सेप्शन आ जाएगी मतलब एरर आ जाएगी एरर का नाम भी है वैल्यू एरर राइट ओके ओके तो यू कैन सी हेयर इंडेक्स रेजिज एन एक्सेप्शन इफ सब इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग सो दे आर सेम ओनली वन डिफरेंस इज देयर, अगर सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फाइंड के अंदर माइनस वन आता है और इंडेक्स मेथड अगर आप यूज़ करें तो आपका क्या होता है एक्सेप्शन रेज होता है मतलब एरर आती है उस एरर का नेम है वैल्यू एरर ओके नाउ दिस दिस इज दिन स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग में आपको फाइंड आउट करनी है डॉट इंडेक्स ओके सब स्ट्रिंग आपको पास करनी है स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स राइट दीज आर द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स ओके ये पैरामीटर्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ दब स्ट्रिंग टू बी सर्च ओके स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स ओके एंड इफ द एंड इंडेक्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाई डिफॉल्ट इट ट जीरो एंड लेंथ माइनस वन एज स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स दैट आई हैव टोल्ड यू अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है लास्ट करेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हमारा एंडिंग इंडेक्स कंसिडर होता है फाइन तो अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट करेक्टर के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और अगर आपने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट करेक्टर के इंडेक्स वैल्यू पर एंड करेगा राइट right? ओके okay. अब हमने यहाँ पे क्या किया है स्ट्रिंग वैल्यू लिए डॉट इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर आपने सब स्ट्रिंग को पास किया ए बी राइट ए बी को पास किया तो आपको क्या करना है इसके अंदर ए बी को फाइंड आउट करना है और ए बी क्या है जो भी पहली बार ए बी आएगा उसके फर्स्ट करेक्टर का फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू राइट तो अब देखो यहाँ पे क्या ए बी हमारा फर्स्ट टाइम में मिल गया आपको ए बी यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आ, आ गया है तो यहाँ पे ए जो है ए उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है जीरो है तो यहाँ पे A, ए बी के फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू आ गई आपकी जीरो राइट right?

सेवन है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया सेवन फाइन ए की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होगी आपकी सेवन राइट ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल स्ट्रिंग वैल्यू डॉट इंडेक्स ए बी स्टार्टिंग इंडेक्स आपका फोर है और एंडिंग इंडेक्स आपका एट है तो एट माइनस वन दैट इज सेवन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ए बी को फाइंड आउट करना है राइट right? इतने पोर्शन में आपको एबी को फाइंड आउट करना है अब देखो यहाँ पे एबी है ही नहीं अगर सब स्ट्रिंग यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा है तो क्या होता है फाइंड के केस में जब फाइंड फंक्शन जब आप यूज कर, कर रहे थे तो आपका माइनस वन आ जाता था रिजल्ट राइट माइनस वन आपका आ जाता था बट यहाँ पे माइनस वन ही आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा एरर आ जाएगी एक्सेप्शन आ जाएगा राइट वैल्यू एरर आ गई है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड फाइंड so children in this video we have covered some built in functions right of python of string in python and in now in next video we will cover all other built in functions of string in python right